छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं, हमलावर हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सट्टा महादेव ऐप पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टा ऐप का कोई ऑफिस नहीं है। इस मामले में छत्तीसगढ़ में है कार्रवाई की जा रही है लगातार, और अब तक 72 मामले दर्ज हो चुके हैं। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से काफ़ी कार्रवाई की गई है। जितनी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में हुई उतनी देश में कहीं नहीं हुई है। इस मामले में 400 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर दौरे पर जाते हुए महादेव ऐप को लेकर कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में कार्रवाई की और ये लोग आकर हम लोगों को ही बदनाम कर रहे हैं। जो महादेव ऐप की बात है, महादेव ऐप छत्तीसगढ़ में हमने कार्रवाई की, ये लोग आके हम लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि छत्तीसगढ़ की पुलिस ने, मैं कल भी पूरा बता दिया, आंकड़े सहित बताया कितनी कार्रवाई, कितने FIR हुए, कितने लोग गिरफ्तारी हुई, कितने सामान जब्ती हुई, कितने राशि जब्त की गई, कितने लोग खाते में फ्रीज किया गया, वो सब मैंने कल बता दिया। बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार बताए, क्योंकि महादेव ऐप को बंद भारत सरकार कर सकती, राज्य सरकार नहीं कर सकती। ये बंद करेंगे कि नहीं करेंगे, और नहीं कर रहे हैं तो उसकी हिस्सेदारी क्या है।